यहाँ ये मेरी नई साड़ी है ना, और ये कैसे तुमने धुली, कि पूरा पूरा फॉल ही निकल गया इसका। मम्मी जी वो हमने कहा है मेरे पास जो है इसको इसी में धुला रहता है, ये महंगी साड़ियाँ होती है। मम्मी जी हमारे कंधे में दर्द हो रहा था इसलिए बस। हाँ तो मशीन में डाल दिया, डाल दिया बस, जो भी कुछ भी कपड़े हो चाहे मशीन में डाल दिया, वो क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन से महंगे कपड़े कौन से क्या, कोई मतलब ही नहीं उसका। पूरी साड़ी पूरी बर्बाद करके रख दूंगी, किसी काम में मन ही नहीं लगता। हमने आपके डालेंगे कंधे में बहुत ज्यादा, परसों ब्रश करने को दिया था तो वो तुमने जला दिया, तो फोन आ गया, तो फोन पे लग गया। सर्दी है ना, सर्दी के पीछे ये दर्द करने लगता है। अरे दर्द करने लगता है तो देखा तो करो कम से कम कि क्या कर रहे हैं हम, ध्यान दिया करो कुछ काम। ठीक है अच्छी खासी साड़ी, रंग में उतर गया सब बेकार कर दी साड़ी। मम्मी जी अब कोई चीज का ढंग से नहीं कर, मशीन में नहीं डालेंगे, ले जाओ इस साड़ी को, बेकार है बिल्कुल साड़ी, कोई ठीक काम जिससे बस मेहनत ना लगे, कुछ मेहनत ना लगे, बस वही काम कर दो। सब्जी हो उसको बिचारना नहीं है, बस जैसे जैसे छोक दो हो गया, चाहे वो किस किस हो चाहे जैसा हो कोई मतलब नहीं है, एकदम बिल्कुल काम छोड़ रहे हैं। बहू जी, मम्मी जी यहाँ आओ जरा जी। मम्मी जी इसमें हमने परसों कथा है हाँ। और इसमें हमने सामान लिख दिया पूजा जी, और एक भी सामान छूटना नहीं चाहिए जी, सबका सब सामान आना चाहिए जी। मम्मी जी सारा सामान देख के लाएंगे। हाँ सारा सामान देख के लाना और जल्दी जाओ, जल्दी आओ जी, जी। और घर में बहुत काम भी पड़ा हुआ है जी, जी। अभी तक नहीं है, एक बताया तो एक काम ही ढंग से। मम्मी जी सारा सामान ले आए, बहुत जल्दी आ गई हो, सारा सामान बहुत जल्दी आ गई। वो भीड़ भाड़ थी ना, वो जाम लग जाती है तो उसमें देर हो गई, सारा सामान ला के रख लिया है। सारा सामान आ गया ना हाँ। कुछ कहे ना पंडित जी की ये कमी पड़ गई, ये कमी पड़ गई, फिर उस समय हम कोई बहाना नहीं सुनेंगे, उससे कथा होनी। मम्मी जी अपनी समझ से तो सारा सामान लिया है। ठीक है जाओ जल्दी खाना बनाओ, देखो कब खाना बनता है, कौन खाता है, भूख बहुत तेज लगी जी। क्या बना ले मम्मी जी खाने? गोभी आलू की सब्जी बना लो। मम्मी जी खाना बन गया। ये किसमें सब्जी बनाई है? कुकर में बनाई थी मम्मी जी, कुकर में। हमने कहा था एक लोहे की कढ़ाई बनाया करो हर सब्जी। मम्मी जी आप ज्यादा, मुझे कढ़ाई वाली सब्जी पसंद है। आपने बोला था कि हमें भूख लगी, जो तुम्हें आसान लगे वही तुम कुकर में छोक। नहीं आपने बोला भूख लगी है तो जैसे कुकर में थोड़ा जल्दी हो जाती है, कढ़ाई में अगर बनाते तो उसमें टाइम लग जाता हाँ, है जल्दी बस बन जाए, टेस्ट आए और चाहे ना बस भूसे की तरह बस खा लो बस। आज खा लो मम्मी और कढ़ाई में ही बना देंगे। नहीं बनाना था तो बता दी, हम ही बना लेते जाके। नहीं मम्मी जी जल्दी थी इसलिए। ये बिल्कुल टेस्ट नहीं आता इसमें, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी ये सब्जी, और जल अलग गई। अब जाओ यहाँ से, बेसर पे मत खड़ी रहो। मैंने क्या क्या खाओ क्या बहु? अरे मम्मी जी आप नमस्ते। मम्मी जी आप खुश रहो, आइए बैठिए। आप आ गए? हाँ आ गई, बैठो यहाँ तो बैठो। बड़ा जला सूख रहा है, गिलास पानी लेके आ बेटिया, सेजल पानी ले आओ मम्मी जी के लिए। और मम्मी जी बताओ
ठीक है। सर्दी अर्दी कैसी पड़ रही है? बस बहुत पड़ रही है ठंडी। और देवरानी जी कैसी है? बढ़ गया है। और देवरानी जी कैसी है? ठीक है। अरे उसकी तो बात ही ना पूछो, उससे कुछ काम तो हो तो उसको करने ही नहीं है, सब उल्टा काम करती है। बताओ। इतनी अच्छी खासी साड़ी थी, कहा उसको प्रेस कर देना तो प्रेस कर जला के रख दी। फिर दोबारा उस दिन साड़ी मैंने लेके आई, फॉल फाड़ के रख दी। कोई काम ढंग से नहीं कर पाती है। बस जब देखो सब्जी कहो तो सब्जी भी जला फुका के लेती, इसीलिए मैं यहाँ बहुत मैं उग गई, अभी मैं यहाँ चली गई। आ गई बुढ़िया, एकदम जीने नहीं देगी, जीना मोहर देगी। बस चाय लाओ, खाना लाओ, ये लाओ वो लाओ, बस यही करते रहेंगे। और कुछ हमें काम तो है नहीं। हाँ, और मम्मी जी अब लेट हो जाके वहाँ बाहर रूम में हमने लगा दिया, जमीन में तुम्हारा बिस्तर, जाओ लेट जाओ, हमें भी लेटने दो, आराम करने दो। बाहर कहाँ? बाहर जमीन में लगा दिया है, और कहाँ इतना बेड है। ठीक है, लेट हो जाके। देखो आराम से सो रही बैठ के, हम बूढ़े जाके जमीन में, इससे अच्छी तो मैं वहीं थी। वो बेचारी मेरे पैर के पास बैठती थी, ये हम पटरानी सो रही है पढ़ के। अरे 4 बजे मुझे चाय कौन देगा, चलो कहीं जगाती हूँ। बहू जी, मम्मी जी मोबाइल चलाते हैं, नींद नहीं आती, इतना काम करते रहते हैं, उसके बाद में तुम्हें 4 बजे चाय चाहिए है? तुम बना के दे दो चाय, हम कहाँ जाएंगे। हम लोग 10 बजे से पहले नहीं उठते हैं, खुद ही बना के पी लो जाके, सब रखा है, और वो भूख लगे तो खाना भी बना लेना। इतना नहीं कर पाएंगे, हमें आराम की जरूरत, हम आराम करेंगे। देखो तो 4 बजे रसो हम ही बना। बड़ी बहू थी तो चाय हाथों हाथ में देती थी, सुबह जगाती थी, बड़ी बहू चाय दे देती थी, और छोटी बहू है करके सो रही है। और सही ना, बड़ी बहू की किस्मत फूटी है। हाँ सुकून नया, यहाँ से अच्छे तो वही थे। चलो बनाए चल के चाय, क्या करे बुढ़ापे में ये भी करना है। चलो सोने ही नहीं दिया, उतने टाइम जगा दिया, घंटों नींद नहीं आई। मम्मी जी, ओ मम्मी जी। हाँ। एक कप चाय लिए आओ हमारे लिए, और नमकीन भी रखी है वहां पर, लिए आना। इतना भी सिखाना पड़ेगा कि चाय के साथ में नमकीन होती है। चाय हम बनाए क्यों? चाय हमने तुमसे चाय हमारे मम्मी की मायके में देती थी बना के। अरे बाबू हमसे चाय नहीं बनेगी। क्यों नहीं? इतना सज धज के घूमती रहती और चाय नहीं है, कब बनेगी तुम्हें बना? चाय ले आओ और वो नहीं जाओ ले आओ चाय, हमें पेटी पीने का मन है अभी, आज वो आई नहीं है निशा। देखो बिल्कुल यहाँ नहीं रहे, मेरी बहू नहीं अच्छी।
देखो नाक में दम कर रखा है बस, यहाँ आ गई जैसे परेशान करके रखा है, कुछ काम करना नहीं है, बस महारानी सजी धजी घूमेगी। बहू जी नहा ली ना? हाँ नहा लिए, नहा के कपड़े उपड़े धोए? हाँ कपड़े धो लिए, सारे कपड़े धो लिए, पर हमारे कपड़े तो वहीं सब पड़े हुए हैं। आपके कपड़े आपने धुले नहीं थे? हमारे कपड़े जो क्या भूल गई हो क्या तुम? भूल नहीं गए हैं, जानबूझ के छोड़ दिए हैं कपड़े। जानबूझ के? हाँ क्यों? तुम्हारे हम कपड़े धुलेंगे, उसमें इतनी ज्यादा बदबू आती है, बहुत एकदम अजीब सी, हम कपड़े धुलेंगे? अपने कपड़े खुद ही धुल लो जाके, इतना हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ कपड़े तो धोना मुश्किल है, हम वॉशिंग मशीन लिए हैं, और तुम्हारे कपड़े उसमें डालेंगे, महक आएगी ऊपर से। अपने कपड़े खुद ही धुल लो जाके। ठीक है, धुल लेंगे। देखो तो कपड़े भी धुल धुल के पहनाएंगे। मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी थी, कम से कम चाय ला के देती थी, खाना खिलाती थी, इतना बुरा भला हम कहते थे उसको, इतना बुरा भला कहते थे, और कम से कम हमसे कम से कम काम नहीं कराती थी, बुरा नहीं मानती थी एक शब्द लोग, और ये आरी तरह जवान चलाती है, बस ये कर दो वो कर दो वो कर दो, हम इसकी नौकरानी हो गए। मेरी वही बहू अच्छी थी, बस वो आ जाती हम चले आएंगे उसके, हम चले जाएंगे उससे, अब दुख और माफी मांग ली, हाँ वो सबसे कभी दुखी, वो परेशान की उससे माफी मांग ली, इतनी अच्छी मेरी बहू थी, उसको छोड़ के हम यहाँ चले गए। मम्मी जी माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप माफी क्यों मांग रही हो? हमारा फर्ज है आपकी सेवा करना, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दीदी कहाँ गई? कपड़ोंगी शॉपिंग गई होंगी, पार्लर गई होंगी। चले मम्मी जी चलो, हम लोग अपने घर चलते हैं। हाँ बेटा अपने ही घर बढ़िया है, अपना अपना घर होता है। चलो याद आ गई थी आपकी, तो ये छोटी और बहू बड़ी बहू में भेद, अपनी सास से प्रेम करना चाहिए, सास चाहे जैसी हो लेकिन कभी भी अपनी बहू का बुरा नहीं चाहती है। तो इस वीडियो से आप लोगों को क्या सीख मिलती है जरूर।